दिनेशपुर में सीओ अमित कुमार ने दिनेशपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान सीओ अमित कुमार ने थाने की साफ सफाई, खास तौर पर अस्त्र शस्त्र का रख रखाव और अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया है। इस दौरान अस्त्र शस्त्र की साफ सफाई सही ढंग से न होने पर पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। सीओ अमित कुमार ने कहा कि जो भी फरियादी थाने में आता है उसकी सुनवाई तुरंत करने का निर्देश थानाध्यक्ष को दिया गया है। उन्होंने कहा कि नशे के प्रति स्कूलों में और आम नागरिकों में जागरूकता लाई जाएगी। आज थाना दिनेशपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इसमें यहाँ के असल लोग के बारे में जानकारी की गई, असल संख्या में पूरे मिले, इनको खुलवा के चेक करवाया गया। इसमें साफ सफाई की कमी पाई गई, उसके संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। माल खाने का निरीक्षण किया गया, माल सारे मौजूद मिले हैं, उनके रख रखाव को लेके निर्देश दिए गए हैं। इसमें सारे अभिलेख जो थाना स्तर पर रहते हैं उनका उनको अवलोकित किया गया, उनमें जो कमियां पाई गई थी उनको निर्देशित कर दिया गया है दुरुस्त करने के लिए। पहले तो जितने भी क्राइम अगर हो रहे हैं तो उनको 100% उनका उल्लेख करने के लिए निर्देशित किया गया है। उसमें तत्काल जो विक्टिम थाने पे आते हैं उनकी तत्काल सुनवाई हो, उनको रिलीफ दिया जाए, फिर उसके संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई उसमें बनती है उसमें अमल में लाया जाए, यही निर्देश दिए गए हैं। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए इसमें जो स्थान है चिन्हित किए जा रहे हैं, ब्लैक स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट, उनमें आगे कार्रवाई की जाएगी, चलान की कार्रवाई की जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा और नशे के प्रति स्कूलों में बच्चों को और नागरिकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। और ये पुलिस के साथ साथ ये सामाजिक दायित्व भी है, इसमें जन सामान्य को सामाजिक रूप से सक्रिय होकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है।